राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है और उस हवेली का नाम है ब्रज भवन, जो अब एक होटल है। लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है और वो आहट है यहाँ पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी घूमा करती है, वो अंग्रेज जिसे इसी जगह पर दो जुड़वा बेटों के साथ मार डाला गया था। ये भवन करीब 180 साल पुराना है। आपको तो पता ही होगा कि जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, वो लोग फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे, मतलब हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया करते थे और खुद दोनों पर राज किया करते थे। वो रात में मंदिरों के सामने जाकर गौ मांस फेंक देते थे और मस्जिदों के सामने जाकर सुअरों का मांस फेंक देते थे, और इससे दोनों धार्मिक समुदायों के बीच अनबन बनी रहती थी, जिसका फायदा अंग्रेज उठा लेते थे। लेकिन एक दिन लोगों को अंग्रेजों की ये चाल समझ में आ गई और उसके बाद अंग्रेजों के जो इंडियन सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन अपने दो बेटों के साथ इंडिया में ही रहते थे, कोटा रेजिडेंसी में। उनके भवन को लोगों ने घेर लिया। ये नजारा देखकर उनके दोनों बेटे जो बहुत छोटे छोटे थे वो डर गए और ऊपर के माले पर चले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता नीचे ही रह गए हैं और उनको लोगों ने मार डाला तलवारों से, तो उन दोनों बच्चों ने भी ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उन दोनों छोटे बच्चों के नीचे गिरने के बाद भी उनको बख्शा नहीं गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, सारा किया धरा उनके पिता का था। लेकिन उसके बाद भी बड़ी बेरहमी से उन दोनों बच्चों को उस भीड़ ने मार डाला। इंसान हर चीज से भाग सकता है लेकिन अपने किए गए कर्मों से भाग नहीं सकता, और ऐसा ही उस मेजर के साथ हुआ। उसको मिली एक दर्दनाक मौत, लेकिन उसके दोनों बेटों के साथ जो हुआ शायद उस मेजर से ये सहा नहीं गया, और इसीलिए उसकी आत्मा आज भी इस भवन में भटकती है और बहुत से लोगों ने इनकी आत्मा को ब्रिज भवन में महसूस भी किया है। 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि कई बार उन्होंने अपने ड्रॉइंग रूम में मेजर के भूत को देखा है। एक बहुत ज्यादा उम्र दराज बूढ़ी औरत थी जो गांव में अकेले रहती थी और एक दिन वो मर गई। मर गई? अब मतलब क्या सब थोड़ी भूत बनते हैं यार, मर गई, चली गई। अभी मैंने आपको ब्रिज भवन की जो कहानी बताई थी, ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसे आपके मन की कल्पना है। मतलब हमारे मन में इस बात को बिठाल दिया गया है कि कोई जगह अगर हॉन्टेड है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जिसको भूतों का गढ़ भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार ने खुद प्रतिबंधित किया है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI की टीम यहां पर मौजूद रहती है और उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां पर कोई भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो यहां पर जाएगा वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। लॉजिकली अगर मैं बताऊं तो कोई भी पर्यटक स्थल या कोई भी किला जो होता है वहां पर रात में किसी भी टूरिस्ट को रुकने की परमिशन वैसे भी नहीं होती है, लेकिन ऐसी चेतावनी हर जगह पर नहीं लिखी जाती जैसे कि भानगढ़ के किले पर लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर रात के समय पायल की आवाजें और घुंघरुओं की गूंज सुनाई देती है। ये जगह पैरानॉर्मल है और ये चीज प्रूफ हो चुकी है। यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और ASI ने यहाँ पर किसी को भी रात में रुकने से साफ मना कर रखा है। ये जगह हॉन्टेड है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन दो चीजें बड़ी फेमस हैं, एक अंधविश्वास वाली और दूसरी उन लोगों की कहानी जो भूतों पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको दोनों बताता हूं। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती थी जो काफी सुंदर थी और एक तांत्रिक का दिल उस पर आ गया। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की बोतल में जादू करके उसके पास भेजा, लेकिन राजकुमारी खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी थी। वो समझ गई कि इस इत्र की बोतल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उस इत्र की बोतल में कुछ ऐसा जादू था कि जो उसका इत्र छिड़केगा वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा, आकर्षित हो जाएगा। रानी ने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर देकर मार दिया और अनफॉर्चुनेटली वो पत्थर तांत्रिक के प्रेम में पागल हो गया। वो महल की ऊंचाई से गिरता गिरता तांत्रिक के ऊपर आकर गिर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने ऐसा श्राप दिया कि भानगढ़ और उसकी राजकुमारी जल्द ही मारे जाएंगे, ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक साल के अंदर वो जगह पूरी तरीके से वीरान हो गई। वहां पर इतने सारे हमले हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि उस जगह की पूरी खुशहाली छिन गई।
अब जो लोग भूतों पर, तांत्रिकों पर और काला जादू पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते, उनका ये कहना है कि ये जो भानगढ़ है यहाँ पर पानी नहीं रहता था, यहाँ पर अकाल पड़ता था और यही कारण था कि ये जगह पूर्ण रूप से उजड़ गई। अब ये लॉजिक जो है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखो, किसी भी जगह पर जब अकाल पड़ता है तो एकदम से नहीं पड़ता है, उस जगह पर हमेशा 10 या 20 साल के अंतराल में अकाल पड़ता रहता है। और ये बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे कि कौन सी जगह खेती बाड़ी करने के लिए सूटेबल है और कौन सी जगह पर अकाल पड़ता है, वहां पर खेती बाड़ी नहीं करनी चाहिए, महल नहीं बनाने चाहिए। और पुराने जमाने के राजा महाराजा जब किला बनाते थे तो उसको बनने में ही बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत सारे मजदूर लगते थे। भानगढ़ का किला ये बहुत विशाल किला है, जब इसको बनाया गया होगा तो सोचिए कितने सारे मजदूरों ने यहाँ पर काम किया होगा, यहाँ पर कितना सारा पानी इस्तेमाल हुआ होगा। तो अगर यहाँ पर पानी की किल्लत रही थी तो इस जगह पर इतना बड़ा किला बनाना पॉसिबल नहीं था। और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसी जगह पर किला बनाए और अपना गांव बसाए, तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि ये जगह एक साल के अंदर पूरी तरीके से उजड़ गई। शिमला का टनल नंबर 33, ये एक हॉन्टेड टनल है और यहाँ पर इसको बनाने वाले इंजीनियर कर्नल बड़ोक की आत्मा भटकती है। यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और जो लोग भी इस सुरंग से जाते हैं उनको थोड़ा अजीब और डरावना सा एहसास होता है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक को दी गई थी। सुरंग बनाने से पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन करके दोनों छोर पर मार्क लगाए गए थे और पहाड़ के दोनों साइड से खुदाई शुरू की गई थी, ये सोचकर कि खुदाई जब खत्म होगी तो ये सुरंगें आपस में मिल जाएंगी और ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो कर्नल थे ये काफी टैलेंटेड थे और यही रीजन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इस सुरंग को बनाने का काम दिया था। लेकिन चूंकि कर्नल इस काम को टाइम पर नहीं कर पाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक पेनल्टी ठोक दी। वो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे क्योंकि सुरंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया था, अब कंगाल भी हो चुके थे, उनका नाम भी खराब हो चुका था और इस से कर्नल इतना डिप्रेशन में आ गए कि उन्होंने इसी अधूरी टनल के सामने सुसाइड कर ली। उसके बाद दूसरे इंजीनियर हार्लिंगटन ने इस पर काम शुरू किया सन 1900 में और 3 साल बाद 1903 में इस सुरंग को बनाने का काम पूरा किया गया। लेकिन ऐसी भी कहानी प्रचलित है कि हार्लिंगटन भी इस सुरंग को बना नहीं पा रहे थे, इसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स जा रही थी और इस काम में उनकी मदद की चायल में रहने वाले बाबा भलकू ने। जी हाँ, आपने सही सुना, बाबा भलकू ने इस सुरंग को बनाने में हार्लिंगटन की मदद की। उनको जादू टोने का नॉलेज था, उनको मालूम था कि क्या प्रॉब्लम जा रही है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस टनल को कंप्लीट नहीं होने दे रही है। तो बाबा भलकू की मदद से ये टनल तो बन गया, लेकिन आज भी ये एक हॉन्टेड टनल है, इंडिया का एक हॉन्टेड प्लेस है। तो अगर आप शिमला के रहने वाले हैं तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप शिमला घूमने आते हैं और टनल नंबर 33 के आसपास से गुजरते हैं तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि आत्मा तो खतरनाक होती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती ये एक इंजीनियर की आत्मा, और वो इंजीनियर जिसने फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद को खत्म कर लिया हो। मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है सवॉय होटल और ये एक हॉन्टेड होटल है। ये 19वीं शताब्दी में एक स्कूल रहा था, उसके बाद 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने इसको खरीदा और 12 साल मेहनत करके इसको एक बेहतरीन होटल बना दिया। लेकिन यहाँ पर दो महिलाएं रुकी थी जिनमें से की एक ब्रिटिश महिला थी और उसकी एक साथी थी, ये दोनों ही काला जादू करती थी और आत्माओं से बात करती थी। ये जो ब्रिटिश महिला थी इसका नाम था लेडी गॉर्नेट आर्मे और एक रात काला जादू करते समय ही कमरे के अंदर ही इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस समय का साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था इसलिए मौत की वजह पता नहीं लगाई जा सकी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी लाश मरने के कई दिन बाद बरामद की गई, लेकिन वो अभी तक सड़ी नहीं थी, वो लाश गर्म थी। इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोग मरे, एक डॉक्टर जिन्होंने आर्मी की लाश का पोस्टमार्टम किया था और दूसरा वो पेंटर जो आर्मी के लिए पेंटिंग किया करता था। ये तीनों मौतें रहस्यमय ढंग से हुई थी और पुलिस आज तक इनकी मौतों का रहस्य नहीं सुलझा पाई है। देखो, जब कोई मरता है तो सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि मौत की वजह क्या थी, मतलब कैसे डेथ हुई, उसके बाद पता लगाया जाता है कि आखिर मर्डर किसने किया। लेकिन इस लेडी और इन दोनों लोगों के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा कि वो मरे कैसे। उसके बाद इस होटल को कई लोगों ने खरीदा लेकिन इसे कोई आबाद नहीं कर पाया क्योंकि बरसों से यहां पर रात के समय पे साए घूमा करते हैं।
NH17 मुंबई टू गोवा हाईवे। गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर सफेद साड़ी में अगर कोई महिला आपको दिख जाए और वो आपकी गाड़ी का तेजी से पीछा करने लगे तो डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, कभी कभी ऐसा सच में भी हो जाता है। नेशनल हाईवे 17 भारत का एक हॉन्टेड हाईवे है जहाँ पर ऐसी अजीबो गरीब घटनाएं लोगों के साथ अक्सर होती रहती है। आज से करीब 20 साल पहले एक कपल कार से अकेला इस हाईवे पर जा रहा था। अचानक से ही उनकी कार का जो रेडियो था वो डिस्टर्ब तरीके से चलने लगा, मतलब उसमें अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, वहां उसके सिग्नल डिस्टॉर्ट होने लगे जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके सिग्नल को जाम कर रही हो। उस कार में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा एडवांस कारें नहीं होती थी, लेकिन उस कार के वाइपर अपने आप चलने लगे। जब कार चलाने वाले युवक को थोड़ा अजीब लगा तो उसने कार को सड़क के किनारे पर रोका, बाहर आकर देखा कि आखिर कार में दिक्कत क्या है। उस कार के अंदर उसकी बीवी थी जो अकेली थी। तभी कार के दरवाजे अंदर से अचानक लॉक हो गए, वो कार अंदर और बाहर दोनों तरफ से अनलॉक नहीं हो रही थी। आधे घंटे बाद वो कार अपने आप अनलॉक हो गई और उस लड़की की गर्दन पर लाल रंग के खरोंच के निशान थे जैसे किसी ने नाखून से उसकी गर्दन को नोच दिया हो। इस हादसे के बाद वो कपल इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। और ये एक किस्सा नहीं है, इस हाईवे पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और यही कारण है कि रात के समय लोग इस हाईवे पर जाना प्रेफर बिल्कुल नहीं करते। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। ये थी इंडिया की 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। वैसे तो इंडिया इतनी बड़ी जगह है जहां पर हॉन्टेड प्लेसेस की कमी नहीं है, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि विज्ञान से परे हैं। और विज्ञान से याद आया, विज्ञान का सही इस्तेमाल तो भाई जापानी लोग करते हैं। जापानी लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिन्हें देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। तो जापानीज टेक्नोलॉजी को लेकर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा, मेरे पहले चैनल पर जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देखो, जल्दी जाके मजा आ जाएगा। और हाँ, एक चीज और कहना भूल गया, 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत ही नजदीक हैं। तो अगर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपने अभी तक नहीं दिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन दबा डालो, 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।